बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग और पहल पर सिडको ने नवी मुंबई मनपा को हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए 35,000 वर्ग मीटर जमीन देने की तैयारी कर ली है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मंदाताई मात्रे ने बेलापुर में दिए जाने वाले इस भूखंड के लिए सिडको और उद्धव सरकार का आभार जताया। उन्होंने विश्वास जताया कि मनपा के इस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के तैयार होने से जहाँ स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, वहीं नवी मुंबईकरों को उत्तम और फ्री चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवी मुंबईकरों को वर्ष 2023 में मनपा के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से फ्री में इलाज का लाभ मिलने लगेगा। जी हाँ, बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग और लगातार पहल के बाद सिडको ने इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए बेलापुर सेक्टर 15 में 34,500 वर्ग मीटर का भूखंड देने का निर्णय लिया है, जिसे आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। NMMC को इस भूखंड के लिए 107 करोड़ की धनराशि देना होगी, जिसके बाद यहां निर्माण की प्रत्यक्ष शुरुआत होगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने तत्कालीन CM देवेंद्र फडणवीस को और 2019 से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार से मांग करती आ रही थी। उन्होंने सिडको MD के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने हॉस्पिटल भूखंड देने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने विश्वास जताया कि इस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बनने से जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं नवी मुंबईकरों के गरीब और सामान्य जनों को उत्तम और मुफ्त में चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। विधानसभा 14 में मैं चुनकर आई, तभी से मैंने एक महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज या नवी मुंबई में होना चाहिए, इसका प्रयास मैं कर रही थी। तभी देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार थी, उसमें गिरीश महाजन ये आरोग्य मंत्री थे, उसमें उस टाइम भी मैंने प्रस्ताव दिया था, मगर उसके बाद चुनाव लग गए, कोविड आ गया, सब रह गया। अभी मैंने 2019 में के बाद में 2021 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब हो गए, पालक मंत्री हमारे एकनाथ शिंदे जी हो गए, उनसे वापस मैंने मुलाकात की, वापस लेटर दिया कि ये हॉस्पिटल होना क्यों जरूरी है। जैसे कोविड आया, अभी कोविड में हम लोग ने देखा कितना, 2 साल हम लोग को कितनी परेशानी हुई। ये आरोग्य यंत्रणा हमें हमेशा सक्षम होनी चाहिए, इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे थे। और माननीय में सिडको MD है हमारे, आयुक्त बांगर जी है, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम अवधि में उन्होंने मुझे भूखंड प्राप्त करने का आज लेटर दिया है कि आप इसके पैसे भरो और इतनी बड़ी जगह उपलब्ध करा के दे रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आने वाले भविष्य में लोगों को जो सब सुविधा चाहिए वो सुविधा इस हॉस्पिटल में देने का काम हम लोग करने वाले हैं। स्पेशली मेरा इस हॉस्पिटल पे पूरा नजर रहेगा और पूरा ध्यान रहेगा। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई मनपा या सिडको के पास ऐसा कोई भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे में बड़ी बीमारियों का इलाज कराने सामान्य जनों और गरीबों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, जहां लाखों का बिल चुकाना असंभव होता है। इस पर मंदाताई मात्रे ने कहा कि मनपा का एडवांस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनने से ऐसे नवी मुंबईकरों को सुलभ और फ्री उपचार सेवाएं मिल सकेंगी। लोगों को आज अपोलो हॉस्पिटल में 20-20 25-25 लाख भरने पड़ते हैं, कहाँ से लोग लाएंगे? एक्सीडेंट होता है वहाँ आते, 2 दिन का 5 लाख रुपए दो, कहाँ से लोग पैसा लाएंगे? फिर हमारे पास आते बिल कम कराओ, कहाँ से बिल कम कराएंगे? हम बिल कम करके कितना करेंगे? 50,000, 25,000, 1 लाख, उससे ऊपर तो कोई कम करता नहीं है। तो इसके लिए ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। आज आरोग्य की सुविधा बहुत ही महंगी और ये हो रहे, उसमें ये सस्ती सेवा मिलेगी और गरीब लोगों को एक बहुत बड़ा दिलासा मिलेगा। वहाँ मेडिकल कॉलेज होगा, उसके बहुत सारे कोर्स है, तो आया से लेकर वार्ड बॉय से लेकर सिस्टर से लेकर डॉक्टर से लेकर सब कोर्स होंगे। तो यहाँ के जो ग्रामीण भाग के लोग हैं, यहाँ के जो प्रकल्पग्रस्त हैं, इनको बड़ा रोजगार मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।